ट्राइसेप्स की सबसे बेकार एक्सरसाइज कौन सी है ये जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिए, और कौन सी सबसे अच्छी है इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं ट्राइसेप्स की बेस्ट टू वर्स्ट सारी एक्सरसाइज के बारे में। बहुत सारी एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे एक ऐसे पर्सपेक्टिव से कि जो मसल हाइपरट्रॉफी यानी कि स्ट्रेंथ के साथ साथ साइज गेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। वन बाय वन बात करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, जिस तरीके से आपको चेस्ट के, बैक के और बाइसेप के वीडियोस पसंद आए, तो इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए पहली यानी कि सबसे नीचे वाली एक्सरसाइज, सबसे बेकार एक्सरसाइज जो मैं मानता हूँ, बुरा मत मानना, वो है डायमंड पुशअप्स। सो डायमंड पुशअप को मैं रख रहा हूँ लास्ट यानी कि 10वें नंबर पे और दे रहा हूँ 5 में से सिर्फ 1 स्टार। अब भाई डायमंड पुशअप्स आप लोग सोचेंगे भाई बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, घर पे लगाते हैं हमारा ट्राइसेप डेवलप होता है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें कुछ कमियाँ हैं। क्या है? जब आप डायमंड पुशअप्स लगाते हैं, ठीक है, तो मज़ा बहुत आता है, ट्राइसेप का एक्टिवेशन भी अच्छा है, बट इसमें एक छोटी सी चीज़ ये होती है कि डायमंड पुशअप्स जब आप इसको लगातार लगाते जाएंगे ना, तो आप इसमें बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे, और यानी कि 25, 30, 40 रेपिटेशन आप आराम से लगा पाते हो उसमें। अब जिसकी वजह से आपका जो मसल हाइपरट्रॉफी वाला गोल है यानी कि साइज बढ़ाने वाला, वो अचीव नहीं होता, क्योंकि आप एक एंड्योरेंस वाले रेंज, रैप रेंज में एक्टिवेट करते हो अपने ट्राइसेप के मसल को। शुरुआत में शायद आपको ये बेनिफिट करे, लेकिन जब तक आप इसमें रेजिस्टेंस ऐड नहीं करेंगे, लोड ऐड नहीं करेंगे, तो ये उतनी कारगर नहीं होती साइज बढ़ाने के लिए। साथ ही साथ ओवरवेट लोग जो हैं, जो भारी है जिनका वजन, जो खुद का वेट नहीं उठा सकते, वो एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ कुछ लोगों को उनके रिस्ट में, एल्बो में भी दिक्कत हो सकती है, बहुत ही मतलब ये थोड़ा सा हल्का सा अनकंफर्टेबल पोजीशन है। अब देखो मैं थोड़ा सा स्ट्रांग हूँ, स्ट्रेंथ है मेरे में, और यू नो मोबिलिटी अच्छी है, तो मैं कर पा रहा हूँ, हर कोई नहीं कर पाता ये, तो इसीलिए इसको मैंने लास्ट में रखा हुआ है, ठीक है। एंड गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, अगर आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए सप्लीमेंट्स में, तो भाई आपको मुझे सेंटा बनाना पड़ेगा। ये क्रिसमस टाइम में मैं आपको 50% से ज़्यादा डिस्काउंट दिलाने वाला हूँ, और साथ ही साथ आपको काफ़ी सारे फ्रीबीज देने वाला हूँ। क्या करना है आपको, नीचे जो मैं लिंक दे रहा हूँ एक इंस्टाग्राम पोस्ट का, वहाँ पे नीचे जाओ, मुझे टैग करो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को, और जब ये टैग्स बहुत सारे होंगे तो मुझे भाई सेंटा बना दिया जाएगा आप लोगों का, और मैं आपको पर्सनली एक ऐसा कोड दूंगा जिससे आपको मिलेंगी 50% का डिस्काउंट इन एवरीथिंग, एवरी फ्रिकिंग सप्लीमेंट। तो भाई एंजॉय करो सेल को और डू द वर्क, तभी आपको कुछ मिलेगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे आती है डंबल ओवरहेड एक्सटेंशंस। इसको रख रहा हूँ मैं 9th नंबर पे और इसको दे रहा हूँ सिर्फ 2 स्टार 5 में से। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जब आप ओवरहेड डंबल को लेके जाते हो और फिर एक्सटेंशन करते हो, सर आपको भी देखा मैंने लगाते हुए, तो भाई एक्सरसाइज ही अच्छी है और इसको लगाना चाहिए, लेकिन कुछ डिफ़िकल्टीज इसमें क्या होती हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट है जब आप अपने एल्बोस को इस पोजीशन पे लेके आते हो, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पोजीशन में होती है, यानी कि आपका शोल्डर, एल्बो और रिस्ट। कैसे? शोल्डर बहुत ज़्यादा ऐसे पोजीशन में होता है कि आपको दिक्कत पैदा हो सकती है, अगर आपकी शोल्डर मोबिलिटी अच्छी नहीं है, साथ ही साथ आप हैवी वेट में जा रहे हैं, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। साथ ही साथ आपके नेक का आपको फ्लेक्शन करना पड़ता है, यानी सर को आगे करना पड़ता है, जो काफ़ी सारे लोगों को नेक में स्प्रेन भी दे सकता है। तो एक्सरसाइज वाइज देखा जाए तो एक्टिवेशन फंक्शन ट्राइसेप का हो रहा है, ट्राइसेप का फंक्शन है आर्म को एक्सटेंड करना, सीधा करना, वो हो रहा है, और एक ऐसे पोजिशन में जो थोड़ा सा डिफिकल्ट मूवमेंट है, लेकिन लॉन्गर रन में देखा जाए हैवी वेट अगर जाना है तो दिक्कत पैदा होती है इसमें, इसीलिए अच्छी एक्सरसाइज है, बट इसको मैं उतना ऊपर रैंक नहीं करता हूँ। और साथ ही साथ ये मूवमेंट को अगर आप कर रहे हो तो कोशिश करो कि 12-15 वाले रैप रेंज में ही रहो, डोंट गो टू हैवी, 6-8 रेपिटेशन बिल्कुल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एल्बो में लोगों को दिक्कत हो जाती है इससे। इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज जो है पुली रोप एक्सटेंशंस हाई एंगल। अब इसको मैं रख रहा हूँ 8th नंबर पे और इसको दे रहा हूँ मैं सिर्फ 2.5 स्टार 5 में से। तो जब आप ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हाई एंगल में लगाते हो तो क्या होता है, ठीक है, आपके केबल से आपको ट्राइसेप का एक्सटेंशन मिल रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि ट्राइसेप का फंक्शन हो रहा है, लेकिन जो रेजिस्टेंस का एंगल है ना, यानी कि जहाँ से ये वायर आपको खींच रही है पीछे की ओर, इसका और आपके हाथ का, स्पेसिफिकली आपके फोर आर्म का इनलाइन हो जाते हैं, पैरेलल हो जाता है, तो ट्राइसेप जब आप पुल कर रहे हो तो यहाँ पे आने तक ट्राइसेप से एंगेजमेंट बहुत कम हो जाती है, हाई एंगल में ये प्रॉब्लम होती है, इसीलिए ये अच्छी एक्सरसाइज है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। अगर इसको आपको सही तरीके से करना है तो एंगल को थोड़ा सा कम करना चाहिए, अगर आप जैसे ही एंगल को कम करेंगे तो एंगल रेजिस्टेंस देखो बेटर मिलेगा आपको,
ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्टिवेशन आपका बढ़ा सकती है, लेकिन अगेन ओवरऑल जब भी आप ये परफॉर्म करोगे तो कहीं ना कहीं लास्ट के रेंज ऑफ मोशन में आपको एक्टिवेशन थोड़ा कम फील होगा आपके ट्राइसेप में। तो आप इस एक्सरसाइज को इस नंबर पे रख सकते हो कि आपकी सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट होने के बाद आप एक वेरिएशन इसका 2-3 सेट दे सकते हैं। ऑलराइट, इसके बाद एक्सरसाइज आती है टेट प्रेस, जो आप डंबल से लगाते हो, और इसको दे रहा हूँ मैं 2.5 स्टार 5 में से। रीज़न क्या है, ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है गाइस, मैंने पहले भी बताया है, आपके ट्राइसेप के एक्सटेंशन को करने के लिए, फंक्शन को करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आप लगा सकते हो। टेट प्रेस इस तरीके से लगाई जाती है, ये ठीक है। अब जब आप टेट प्रेस लगाते हो तो इसका एक बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका जो ट्राइसेप का इंसर्शन पॉइंट है, तीनों हेड का इंसर्शन पॉइंट यहाँ पे एल्बो के पास है। जब आप टेट प्रेस लगाते हो तो सबसे ज़्यादा एक्टिवेट आपका ये हिस्सा ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपका ट्राइसेप एक डिफरेंट वेरिएशन मिलता है इसको, इसीलिए ये एक्सरसाइज को परफॉर्म करना काफ़ी ज़रूरी है। एक अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपको बहुत हैवी वेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिवेशन आपको 5 kg के, 7 kg के डंबल, 10 kg के डंबल से बहुत आसानी से मिलेगा। बस कंट्रोल फॉर्म में आपको इसको करना है, यानी कि 10-12 रेपिटेशन मैक्स। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और पूरी तरीके से आपके ट्राइसेप को एक्टिवेट करती है। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी को रिस्ट्रिक्शन मिलता है बेंच में करने की वजह से, यानी कि बॉडी मूव नहीं करती, आप पूरा अपने ट्राइसेप को आइसोलेट कर सकते हो। तो बहुत अच्छा मूवमेंट है, इसको आप इस्तेमाल करिए, बट अगेन इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट। क्यों? क्योंकि ओवरलोड नहीं कर पाओगे आप ज़्यादा, बहुत हैवी इसमें उठाना डंबल डिफिकल्ट है। सो एक इसीलिए ये लैक करती है और इसीलिए इसको मैंने इस रैंक पे रखा हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है गाइस यहाँ पे बेंच डिप्स, और इसको रख रहा हूँ मैं 6 नंबर पे और दे रहा हूँ 3 स्टार 5 में से। अब देखिए, जब आप बेंच डिप्स लगाते हो ना, तो ऑफकोर्स इसको लगाने के लिए अलग तरीके होते हैं, आप पैर यहाँ पे रख सकते हो, बेंच में भी रख सकते हो। हाथ की प्लेसिंग आपकी इस तरीके से होती है, ठीक है। एक्टिवेशन क्या है, आपके ट्राइसेप में आना चाहिए। अब ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके ओवरऑल तीनों हेड्स को, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड और मीडियल हेड, तीनों ही हेड्स को टारगेट करती है, और बहुत ही अच्छा एक्टिवेशन आपको मिलता है जब आप ट्राइसेप की बात करते हैं, क्योंकि फुल फंक्शन ट्राइसेप का पूरा एक्सटेंशन इसमें हो रहा है। लेकिन एक छोटी दिक्कत यहाँ पे ये आ जाती है कि काफ़ी सारे लोगों की शोल्डर मोबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोग बहुत नीचे चले जाते हैं, शोल्डर में दिक्कत होने लगती है, एल्बोज में दिक्कत होने लगती है, और जब आप ओवरलोड करते हो, मतलब अगर आप सोचोगे कि मैं प्लेट रख लूँ यहाँ पे और फिर मूवमेंट को करूँ, तो काफ़ी सारे लोगों को उसमें इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये एक बहुत अच्छा मूवमेंट है, अगर आप सिर्फ बॉडी वेट से कर रहे हैं, सिर्फ अपनी बॉडी के वेट से, तो आप इसमें काफ़ी हद तक हाइपरट्रॉफी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप जैसे कंफर्टेबल हो जाएं, तो वेट लगा के भी आप इसको कर सकते हैं, और अच्छी एक्सरसाइज है, इसीलिए आपको इसको लगाना चाहिए। तीनों ही हेड्स को बहुत बेहतरीन तरीके से टारगेट करती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है बहुत ही ज़बरदस्त, जो है आपकी ट्राइसेप डिप्स। अब ये एक्सरसाइज को मैंने रखा हुआ है 5वें नंबर पे और इसको दे रहा हूँ मैं 4 स्टार 5 में से। अब जब आप ट्राइसेप डिप्स लगाते हो ये, ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट आपको ये मिलता है कि ये तीनों ही हेड्स को टारगेट कर रही है, लेटरल को, लॉन्ग को और मीडियल को। लेकिन लेटरल हिस्से पे, ये बाहर वाले हिस्से पे आपका ज़्यादा एक्टिवेशन आएगा। साथ ही साथ आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ओवरलोड कर सकते हो, हैंग कर सकते हो वेट को, और फिर ट्राइसेप एक्सटेंशन लगा सकते हो, ठीक है, ये ट्राइसेप डिप्स। अब दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे बेनिफिट एक और मिलती है कि पीक कॉन्ट्रैक्शन में आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आप पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपने ट्राइसेप को, पीक कॉन्ट्रैक्शन आपको ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। ये ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का फ़ायदा आप उठाइए, कोशिश करना कि बहुत लो रेपरेंज में मत जाओ, इतना भी हैवी मत उठाओ कि आप 5 रेपिटेशन 6 रेपिटेशन ही सिर्फ निकाल रहे हो। शोल्डर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, एल्बोस के लिए और रिस्ट के लिए। सो मेक श्योर 10 या 12 वाले रेंज में रहो, इवन इफ आप वेट लगा के भी इस एक्सरसाइज को कर रहे हो तो। सो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पर थोड़ा ध्यान इसमें रखना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सरसाइज यहाँ पे आती है हमारी नॉर्मल पुली पुश डाउन, जो आप इस बारबेल से लगाते हो या फिर रोप से लगाते हो इस तरीके से। इसको मैं रख रहा हूँ 4th नंबर पे, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और इसको दे रहा हूँ मैं 4 स्टार 5 में से। अब जब आप ये मूवमेंट करते हो ना, तो ये फुल फंक्शन है आपके ट्राइसेप का, यानी कि फुल एक्सटेंशन हो रहा है आपका आर्म, पीक कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है, पूरा स्ट्रेच मिल रहा है। इसको आप मल्टीपल तरीके से लगा सकते हो, थोड़ा सा हाथ को आगे करके, हाथ को पीछे करके, बहुत सारे एंगल्स इसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। साथ ही साथ रिवर्स ग्रिप, आप रिवर्स ग्रिप को भी परफॉर्म कर सकते हो, जो अगेन एक अलग आपकी ट्राइसेप के मसल्स को एक्टिवेशन देता है, स्ट्रेच देता है, कॉन्ट्रैक्शन देता है। बेनिफिट आपको इसमें ये मिलता है कि आपके तीनों हेड्स टारगेट कर रहा है,
लेटरल लॉन्ग एंड मीडियल हेड। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज को आप कंसिडर कर सकते हो। ओवरलोड करना चाहो तो ज़्यादा वेट लगा के भी कर सकते हो, फॉर्म के खराब होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं क्योंकि आप स्टैंडिंग पोजीशन में फिक्स पोजीशन में इसको लगाते हो। इंजरी के चांसेस भी थोड़े कम हैं क्योंकि अक्सर हम इसमें बहुत कंट्रोल्ड फॉर्म में ही एक्सरसाइज को करते हैं, ठीक है। तो इसको आप यूज़ करिए एक्सरसाइज, इट्स अ गुड एक्सरसाइज। ऑलराइट गाइस, इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है स्कल क्रशर्स विद बारबेल और डंबल। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज को मैं रख रहा हूँ तीसरे नंबर पे, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और इसको दे रहा हूँ मैं 5 में से 4 स्टार। अब देखो, जब आप स्कल क्रशर लगाते हो ना तो क्या होता है, स्कल क्रशर लगाते हुए आपका ट्राइसेप का जो लॉन्ग हेड है ना सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होता है, जो बहुत कम एक्सरसाइजेज में होता है, क्योंकि ट्राइसेप का फंक्शन क्या है, आर्म को एक्सटेंड करना। लेकिन जब भी आपका आर्म इस पोजिशन में होता है, आपके स्कैपुला से आपका एल्बो दूर होता है, तो ट्राइसेप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पोजिशन में होता है, फटीक पोजीशन में होता है, जिसकी वजह से ट्राइसेप बहुत काम करता है, वो भी लॉन्ग हेड, ठीक है। ऐसा नहीं है कि दूसरे हेड्स काम नहीं कर रहे, बट लॉन्ग हेड ज़्यादा एक्टिवेटेड है। अब स्कल क्रशर में आपको एक ये बेनिफिट इसलिए मिलता है कि आप ओवरलोड कर सकते हो, इसमें थोड़ा हैवी वेट लिया जा सकता है। मेक श्योर कि फॉर्म सही हो, टेक्निक सही हो, जर्क मूवमेंट ना आए। अगर जर्क आने लग गया, इतना हैवी वेट है कि आप जर्क कर रहे हो, तो आपका एल्बो, रिस्ट और शोल्डर बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्म टेक्निक सही कर रहे हो और ओवरलोड भी सही तरीके से कर रहे हो, तो आपका ये ज़बरदस्त, सबसे ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। साथ ही साथ इसको जब आप परफॉर्म करते हो ना, तो आपके रिस्क ऑफ इंजरी तो है, लेकिन रेप रेंज अगर आप सही रखी हुई है आपने 10 या 12, उतना ही वेट लगा रहे हो, तो आपके लिए बहुत अमेजिंग काम करेगी। आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को जब आप ट्राइसेप्स लगा रहे हो, तो वन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइजेज में इसको रखो, ताकि आप लोड सही तरीके से ले पाओ जब आपका ट्राइसेप फ्रेश हो। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि पहली एक्सरसाइज ही ट्राइसेप स्कल क्रशर लगाई जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ आप इसको रेगुलर बेसिस में चेंज कर सकते हैं, कभी आप बारबेल से लगाइए इजी बार से, कभी डंबल से लगाइए, तो सेम मूवमेंट आपको मिलना चाहिए आपके ट्राइसेप का, जो आपके लॉन्ग हेड पे काम करता है। ऑलराइट, इसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज दूसरे नंबर की, जिसको मैं रैंक कर रहा हूँ और इसको मैं दे रहा हूँ 4.5 स्टार 5 में से, वो है डंबल किक बैक्स। अब आप लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत लाइट सी एक्सरसाइज है, बिल्कुल इस तरीके से आप लगा रहे हो, कोई ज़्यादा इसमें हैवी मूवमेंट हम नहीं कर रहे हैं, बट ये एक ऐसी एक्सरसाइज है ना जो आपके ट्राइसेप को पीक कॉन्ट्रैक्शन देती है। ये देखो, पूरी तरीके से आपका ट्राइसेप बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट होता है और तीनों ही हेड्स पे ये एक्सरसाइज काम करती है, लॉन्ग, लेटरल एंड मीडियल। ज़्यादातर आपके लेटरल हिस्से पे ये ज़्यादा फोकस करेगी और आपको यू नो ये बेनिफिट मिलता है कि आप अपने मैक्सिमाइज कर सकते हो पीक कॉन्ट्रैक्शन को। साथ ही साथ इंजरी होने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि आप इसमें बहुत हैवी वेट नहीं उठाओगे, हैवी वेट उठाओगे तो फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, मूवमेंट आएगी नहीं ठीक। तो ऐसा ही वेट आपको इसमें लगाना है जिसमें आपके मैक्सिमम 10, 12 या 15 रेपिटेशन आए, उससे कम उठाने की कोशिश मत करना। और ये नहीं करना होता है ये, ठीक है, रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट में। ऑलराइट, सो अब बारी है हमारी नंबर 1 ट्राइसेप की एक्सरसाइज की, जो है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस, और इसको दे रहा हूँ मैं 5 में से 5 स्टार। क्यों है ऐसा? क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस जब आप लगाते हो ना तो क्या होता है, अब क्लोज ग्रिप का मतलब ये नहीं है कि इतना क्लोज आपको पकड़ना होता है, क्लोज ग्रिप का मतलब यूजुअल से क्लोज जब आपकी बॉडी का स्टैंड हो, ठीक है, इस तरीके से। अब जब आप ये एक्सरसाइज लगा रहे हो ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इट्स अ कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट मतलब पता है आपको, यानी कि मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ट्राइसेप की एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ वन जॉइंट मूवमेंट है, राइट। यहाँ पे आपका शोल्डर भी इन्वॉल्व हो रहा है और उसके साथ साथ मल्टीपल मसल ग्रुप्स ट्राइसेप के साथ, डेल्ट्स भी इन्वॉल्व हैं थोड़े से और चेस्ट भी इन्वॉल्व है। लेकिन यही आपको फ़ायदा देता है हैवी लोड उठाने का, यू कैन लिफ्ट फ्रिकिंग हैवी वेट इन दिस वन। और आपके लेटरल हेड को सबसे ज़्यादा टारगेट करती है ये पूरा एक्टिवेशन, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ। देखो, सो जब आप क्लोज ग्रिप परफॉर्म कर रहे हो ना, लेटरल हेड को देखना, फुल ऑन लेटरल हेड आपका पूरा फायर हो जाता है और साथ ही लॉन्ग हेड को बहुत अच्छा टारगेट करती है, ठीक है। तो अगर आप अपनी ट्राइसेप को बल्जिंग ट्राइसेप हैवी बनाना चाहते हो, तो भाई वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज इज क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। इसके साथ साथ रिस्क टू इंजरी भी बहुत कम है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि मल्टीपल मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो लोड एक ही जगह पे नहीं आता और साथ ही साथ ट्राइसेप को ओवरलोड भी आप कर लेते हो। तो जब आप ट्रेनिंग करने आते हो ना,
तो वन ऑफ द फर्स्ट एक्सरसाइजेज में इसको ऐड किया करो। स्कल क्रशर आपने कर ली, सेकंड इसको कर लो, तो आप देखोगे कि आपका ट्राइसेप कितना निकल गया है, राइट। सो गाइस, ये थी सारी एक्सरसाइजेज ट्राइसेप्स की, बेस्ट टू वर्स्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल साइन ऑफ।